Control statements are used to control the execution sequence of the statements. In Java, there are various types of the control statements like if, if else, switch, loops, and more, jump statements like break and continue. जब भी प्रोग्रामर चाहता है कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में से कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो कंडीशन के बेसिस पे, या यूजर की चॉइस के बेसिस पे कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होना चाहिए, या कंडीशन के बेसिस पे आपको लूप से एग्जिट होना है, या आपको क्या करना है, किसी कंडीशन के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को स्कीप करना है कि वो एग्जीक्यूट ना हो, सो उस केस में अलग अलग जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है उनका यूज किया जाता है। जावा में मेनली इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सेकंड है लूप स्टेटमेंट्स या लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और थर्ड है जंप स्टेटमेंट्स जिसमें कि अलग अलग कीवर्ड है जिन्हें यूज किया जाता है, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न एटसेट्रा। सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट, या आप इसे डिसीजन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर कंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बेसिक फॉर्म है वो है इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, ये अलग अलग इसके फॉर्म है। सो जब भी आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करना है, इसके लिए जो बेसिक इफ स्टेटमेंट है उसका यूज किया जाता है। इसमें आप सिंगल इफ का यूज कर सकते हैं। सिंगल इफ मीन्स किसी कंडीशन के बेसिस पे ही आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एल्स वो उसे क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। इफ एल्स इज द सेकंड वन, मींस कंडीशन के सही होने पे क्या परफॉर्म करना है, किसे एग्जीक्यूट करना है, और कंडीशन के फॉल्स होने पे किसे परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट होना है, दैट इज इफ एल्स। और जब भी क्या होगा, आपके पास बहुत सी मॉड्यूल्स हैं और उनमें से कंडीशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन क्या है उसका, है ना, तो फेल हो सकता है, थर्ड हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, ये डिवीजन है बेसिकली। सो क्या हो गया बेसिकली, इसके अंदर चार कंडीशन है, ओके, तो जब उसका 60% से अबव होगा तो फर्स्ट डिवीजन है, ओके, एल्स फिर से क्या है, कंडीशन है इन बिटवीन 48 एंड 60 होगा तो उस केस में सेकंड डिवीजन है। सिमिलर टू इन सी लैंग्वेज जिस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं, सिमिलरली सेम इन टू दी जावा। जावा में केवल एक ही डिफरेंस है, आप जो इफ कंडीशन है, इफ के बाद जो कंडीशन है पैरेंथेसिस में, उसमें आप वैल्यूज पास नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल इस तरह की एक्सप्रेशन ही हो सकती है जो कि बूलियन रिटर्न करे, फाइनली क्या रिटर्न करे, बूलियन वैल्यूज रिटर्न करे। इट मीन्स जो जावा में इफ कंडीशन है, या जब भी जहां पर भी कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन का यूज किया जाएगा, तो वहां पर वो बूलियन रिटर्न करने वाली जो एक्सप्रेशन है उसी को वो वैलिड कंसिडर करेगा, एल्स क्या होगा बेसिकली उसे एज ए एरर शो करेगा, ओके। क्योंकि जो सी में कंफ्यूजिंग पॉइंट था कि जो आपकी नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं वो ट्रू कंसिडर होती है, और जो अकेला जीरो है वो फॉल्स एज ए कंसिडर होता है, यहाँ वैल्यूज के बेसिस में डिसीजन नहीं होता है, एक्सप्रेशन क्या करेगी, फाइनली आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। तो ट्रू होगा सो आपका इफ जो पर्टिकुलर आपका कंडीशन है इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स रिटर्न होगा तो उस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो ये इंटरनल पार्ट है, एल्स जो आप जनरली जिस तरीके से आप प्रोग्राम्स राइटिंग करते हैं सी लैंग्वेज में इफ एल्स का यूज करते हैं, सिमिलरली आप यहां पर भी उसे यूज करेंगे। लेट सी सम एग्जाम्पल। सी प्रैक्टिकली किस तरीके से इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स को यूज करना है, उसके लिए आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने ए, ओके, और मैं यूजर से इनपुट लूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ओके,
सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन लिखना होगा. देन मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नंबर, एंटर नंबर. ओके, ए में एक वैल्यू स्कैन करवाएंगे यूजर से, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट. ओके, अब क्या कर रहा हूं मैं यहां पे इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जिस तरीके से आप सी लैंग्वेज में लिखते हैं. इफ ए ग्रेटर देन 10, सिंपली कंडीशन जिस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. ओके, सो मैं एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसके अंदर. अगर क्या होगा, ए जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो 10 से बड़ा होगा, सो मैं क्या डिस्प्ले करूंगा, जो इनपुट नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 10 है. इनपुट नंबर इज ग्रेटर देन 10. ओके, सो क्योंकि अभी पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया है, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, अभी सिंगल स्टेटमेंट ही इसके अंदर कंसिडर करना है. ओके, जब अपन चाह रहे हैं कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट इसके अंदर कंसिडर हो, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, पैरेंथेसिस का यूज करना होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जब ये कंडीशन ट्रू हो. ओके, तो मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, if block executed. तो जब भी क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा, इफ लॉग एग्जीक्यूटेड एंड इनपुट नंबर इज ग्रेटर देन 10. ओके, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, सो यहां पर आपका कंसोल है. ओके, एंटर नंबर फॉर एग्जांपल मैं 45 एंटर करता हूं. ओके, सो नंबर क्या है, 45 ग्रेटर देन 10 है, सो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हुआ, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड इनपुट नंबर इज ग्रेटर देन 10. मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, लेट्स मैं एक स्मॉलर नंबर एंटर करता हूं, 1. सो क्या हुआ, कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ. ओके, सो सिंगल इफ क्या करता है, बेसिकली कंडीशन के सही होने पे क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, बेसिकली कह सकते हैं. ओके, क्या मॉड्यूल एग्जीक्यूट करना है वो डिसाइड करता है. ओके, नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट. सो इसी को मैं क्या करता हूं, इसी प्रोग्राम में मैं इफ एल्स का यूज करता हूं. सो मैं यहां पर लिख रहा हूं एल्स. ओके, एल्स इस तरीके से. ओके, दिस इज एल्स ब्लॉक, एल्स कीवर्ड है. ठीक है, और जब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या एग्जीक्यूट करना है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. और एल्स ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में मुझे क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, मैं यहां डिस्प्ले कर रहा हूं, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड एंड इनपुट नंबर इज स्मॉलर देन 10. ओके, स्मॉलर और इक्वल देन 10. ओके, सो इसे एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, नंबर एंटर करते हैं 2, सेव करना होगा पहले. ओके, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, 2 नंबर एंटर किया. सो क्या रिजल्ट डिस्प्ले हुआ, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड इनपुट नंबर इज स्मॉलर और इक्वल देन 10. लेट्स प्रोग्राम बनाते हैं इवन ऑड के लिए. सो इवन ऑड के लिए क्या फॉर्मूला है, पता है आप सभी को, एक नंबर इनपुट करना है, वो इवन है या ऑड है ये वेरीफाई करना है. ओके, अगर वो इवन है तो इवन नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, ऑड है तो ऑड नंबर डिस्प्ले होना चाहिए. तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो पर्टिकुलर नंबर है उसे क्या करेंगे, ए रिमाइंडर बाय 2. ओके, इफ ए रिमाइंडर बाय 2 इक्वल्स टू 0, देन क्या डिस्प्ले करना है, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, इनपुट नंबर इज इवन.
इवन नंबर, ओके, और एल्स जब ये कंडीशन फॉल्स होगा इट मींस आपका रिमाइंडर बाय टू क्या मिला आपको, जीरो नहीं मिला, इट मींस क्या है वो नंबर ऑड है. सो एल्स केस में क्या डिस्प्ले करेंगे, सिंपली ऑड नंबर, ऑड नंबर. ओके, सेव करते हैं कंट्रोल एस और इसे एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, एंटर नंबर 56, क्या डिस्प्ले हुआ, इवन नंबर, क्योंकि ये इवन नंबर है. ओके, सो वेरी सिंपल इफ एल्स, बट केयरफुल. फॉर एग्जांपल मैं यहां कंडीशन नहीं लिखे, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, और ठीक है कंट्रोल एस, तो यहां पर आपको एरर शो हो रहा है बेसिकली, कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कैन नॉट कन्वर्ट, जो बेसिकली डिस्प्ले हो रहा है एरर मैसेज क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बुलियन. इट मीन्स यहां पर आप क्या कर सकते हैं, केवल ट्रू फॉल्स जिसे रिटर्न हो रहा है बेसिकली बुलियन वैल्यू, केवल उस तरह की एक्सप्रेशन ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं. इट मीन्स इफ एल्स कंट्रोल्ड, और वी कैन से जितने भी कंडीशन स्टेटमेंट है जहां कंडीशन लिखनी है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, जो बुलियन वैल्यूज रिटर्न हो रही फाइनली उससे कंट्रोल हो रहे हैं. अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो वो कंडीशन फॉल्स माना जाता है, ट्रू रिटर्न होता है तो उसे क्या माना जाता है, कंडीशन को ट्रू माना जाता है. ओके, नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ एल्स. जब क्या हुआ, आपके पास दो से ज्यादा आपके पास मॉड्यूल हो, ओके, वे हो, ब्रांचेस हो, तो उस केस में किसका यूज करना बेटर होगा, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना बेटर होगा. फॉर एग्जांपल मार्क्स या परसेंटेज एंटर करवाते हैं यूजर से और वेरीफाई करते हैं कि उसका डिवीजन कौन सा है, तो यहाँ एंटर नंबर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंटर सिंपली परसेंटेज, एंटर परसेंटेज. ओके, तो परसेंटेज एंटर होंगे और उसके बाद क्या करना है, उसका जो डिवीजन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फेल, ये डिसाइड करना है. ओके, ये ओके, तो कितनी आपके पास चॉइसेस हो गई, मॉड्यूल कितने हो गए, चार, फर्स्ट डिवीजन हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है या फेल हो सकता है. क्या कंडीशन लिखेंगे, सबसे पहले इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ओके 60%, तो उस केस में क्या होगा, क्या डिस्प्ले करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन है. ओके, सो फर्स्ट डिवीजन, ओके शॉर्ट में लिखा है. ओके, फिर क्या लिखेंगे, एल्स, और एल्स के बाद क्या करना है, क्योंकि फिर से इफ कंडीशन लिखना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कितने, जो तीन ब्रांचेस हैं, तीन सबवे और बचे हुए हैं, तो सेकंड डिवीजन के लिए क्या टेस्ट होगा, इफ ए इज greater than equals to 48 and end, okay, so ये क्या है basically, अभी किस तरीके से work करेगा, logical की तरह, क्योंकि जो first condition है ये भी एक relational operator है, तो यहाँ से भी आपको boolean value मिलेगा और second जो है basically वहाँ से भी boolean, so if a is less than equals to 59 and if a is greater than equals to 48, then कौन सा division होगा, इस तरीके से मैं इसे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ओके, तो सेकंड डिवीजन हुआ इस तरीके से. ओके, एल्स फिर से क्या करना होगा मुझे, इफ स्टेटमेंट लिखना होगा, एल्स इफ थर्ड डिवीजन के लिए, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, देन क्या लिखना होगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 47, ओके, उस केस में क्या होगा, थर्ड डिवीजन, कंट्रोल थर्ड डिवीजन, एंड लास्ट वन इज फाइनली एल्स. ओके, इट मींस अगर ये भी इसका रेंज नहीं है तो ये क्या होगा, बेसिकली फेल. ओके, सो टेस्ट करते हैं, सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर परसेंटेज,
ओके 34 रिजल्ट क्या मिला आपको, फेल। ओके फिर से वेरीफाई करते हैं, ओके 56 सेकंड डिवीजन रिजल्ट। सो किस तरीके से ifelse को यूज करना है, नेस्टेड ifelse के लिए क्या होगा, जब भी आपके पास क्या हो दो से भी ज्यादा, जब क्या हो आपके पास ब्रांच सबवे हो या मॉड्यूल हो कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट करनी है, तो उस केस में किसे यूज करना बेटर होगा, नेस्टेड ifelse का। ओके मींस योर एल्स पार्ट कंटेन्स अगेन ifelse, ओके दैट इज कॉल्ड नेस्टेड ifelse।